हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज बताने आई हूँ कि अगर आपको सोरासिस है और आपकी रिकवरी डिलेड है या स्लो चल रही है तो वो किन किन रीजंस की वजह से चल सकती है और किन किन जगहों पे आप उनको ठीक करके अपने सोरासिस से जल्दी फ्री हो सकते हैं। सो नंबर वन, जो सबसे बड़ा फैक्टर हमें मिलता है स्लो रिकवरी में, वो मिलता है डाइट। अगर आप अच्छे से डाइट फॉलो कर रहे हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस बोली है उन्हें निभा रहे हैं और वो चीज़ें नहीं खा रहे हैं जो मना करी गई है, तो आपका सोरासिस जल्दी रिकवर होता है और रिकवरी स्लो नहीं होती, फास्ट हो जाती है। और यही एक रीज़न है कि पेशेंट मेरे 2-3 महीने में भी ठीक होते हैं, 1 महीने में भी ठीक होते हैं और 1 साल भी लगाते हैं या 2 साल भी लगाते हैं। वो इसी रीज़न की वजह से लगाते हैं कि वो अपना डाइट का जो कंट्रीब्यूशन है ट्रीटमेंट के दौरान वो नहीं दे पाते हैं। तो मेरा यही आपसे विनती है कि आप जितनी डाइट फॉलो करेंगे विद गुड रिप्लेसमेंट्स ऑफ फूड, उतना ही आप जल्दी सोरासिस से फ्री हो पाएंगे। नंबर 2, हमें देखने को मिलता है कि लिवर डीअरेंज्ड है, मींस उसके LFT लेवल्स बढ़े हुए हैं, इसलिए भी सोरासिस की रिकवरी डिलेड चल रही है। ऐसे में जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें अगर लिवर का ट्रीटमेंट भी रहेगा कि लिवर के फंक्शंस को जो बढ़े हुए हैं वो डाउन करा जाएगा और उसकी इम्पेयरमेंट को सुधारा जाएगा, तो आपको सोरासिस में रिकवरी जल्दी देखने को मिलेगी। नंबर 3, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। अगर आपको डायबिटीज़ भी है सोरासिस के साथ और वो अनकंट्रोल्ड है, मतलब आप कोई दवा नहीं लेते, बढ़ती रहती है, 200+, 300+ चलती है, तो भी आपका सोरासिस में रिकवरी डिले हो जाता है। क्योंकि जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं सोरासिस के साथ, उनमें कोई भी जब बीमारी होती है तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। द रीज़न बींग, जो भी इंसुलिन रेजिस्टिविटी क्रिएट हो रही है बॉडी में, वो लिवर के फंक्शन को इम्पेयर कर रही है, और जब लिवर का फंक्शन इम्पेयर होता है तो आपका इम्यून सिस्टम डगमगाता है। इम्यून सिस्टम डगमगाता है तो इम्यून रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती हैं वो रिलैप्स करेंगी, बढ़ेंगी या स्लो ठीक होंगी। तो हीलिंग प्रोसेस इन शॉर्ट वो धीरे हो जाता है, तो आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखने को मिलता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है विटामिन D, B12 और आयरन से। अगर आप टेस्ट कराइए, विटामिन D, B12, आयरन अगर कम मिलता है तो इनके सप्लीमेंटेशन लगा के आपकी सोरासिस की रिकवरी को बढ़ाया जा सकता है। और अगर ठीक लेवल में है तो भी देखना पड़ता है कि लोअर बॉर्डर है या हायर बॉर्डर है। अगर लोअर बॉर्डर है तो भी सप्लीमेंटेशन दे के उसको थोड़ा सा बूस्ट करके आपके इम्यून सिस्टम को एक धक्का मिल जाता है कि जल्दी से वो रिकवर करेगा और आपकी जो रिकवरी है उसमें एक धक्का लग जाएगा, बूस्ट मिल जाएगा और वो भी वो ठीक होगा। ये सप्लीमेंटेशन है, डोंट वरी, ये कोई एलोपैथिक मेडिकेशन नहीं होती। ये सप्लीमेंट्स होते हैं जिनकी कमी से हमारे रिस्पॉन्सेज डिलेड हो जाते हैं, उन्हें हमें पूरा करना होता है, चाहे हम डाइट से करें चाहे हम सप्लीमेंट से करें। एंड एट दी लास्ट, स्ट्रेस लेवल बहुत मैटर करता है आपकी सोरासिस की रिकवरी में। द रीज़न बींग, स्ट्रेस क्या है ना कि पेशेंट को स्ट्रेस ही रहता है कि ये बीमारी ठीक होगी भी या नहीं होगी, जिंदगी भर रहेगी, लोग क्या कहेंगे, मैं इससे हमेशा पीड़ित ही रहूँगा या सफ़र करता रहूँगा। ठीक हो भी गई तो भी उसको लगता है कि ये वापस ना आ जाए। तो जितना आप डिलीट कर पाएंगे अपनी बीमारी को दिल से, दिमाग से, उतना जल्दी आप सोरासिस में रिकवरी ले सकते हैं। तो मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और मेंटल स्टेबिलिटी में प्रॉपर नींद होना और लाइट फील करना, खुश रहना, ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम बस बोलती हैं, बट ये करनी कैसे है, ये बताता कोई नहीं है कि करनी कैसे है। इसके लिए आपको अपने नेचर में ही इग्नोरेंस लानी पड़ेगी अबाउट सोरासिस, कि लोग क्या कहेंगे, मैं सोशलाइज नहीं हो सकता, मैं बहुत परेशान हूँ। फिजिकल कंप्लेंट्स होना या फिजिकली परेशान होना सोरासिस से जायज़ है, समझ में आता है, कट्स पड़ते हैं, इचिंग होती है, बर्निंग होती है, फ्लेकिंग होती है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उससे परेशानी होती है, ये है फिजिकल कंप्लेंट्स जो बढ़ रही हैं सोरासिस में। दूसरी होती है कि बीमारी ठीक भी हो रही है तब भी आपको एक टेंशन ही बना रहता है कि ठीक हो जाती है फिर आ जाती है, अब ठीक हो गई तो दोबारा ना आ जाए। मीन्स आप उस बीमारी को कहीं ना कहीं भूल ही नहीं पा रहे हो, डिलीट ही नहीं कर पा रहे हो। तो जितना आप डिलीट करोगे, जितना और कामों में इंगेज रहोगे, इसको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, जितना आप मेडिटेट करोगे, एक एक्सरसाइज करोगे या जो चीज़ भी आपको पसंद है वो चीज़ आप करोगे, वर्कआउट करोगे, अपनी एनर्जी सही जगह चैनलाइज करके सही डायरेक्शन में लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस कम होगा और बीमारी की तरफ कम ध्यान जाएगा और आप अपने ट्रीटमेंट से छुटकारा पा पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोरासिस की रिकवरी डिलेड ना हो तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करें, क्योंकि सोरासिस इज समथिंग जो सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते।
उसमें आपका लाइफस्टाइल और आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है, और यही वजह होती है कि पेशेंट एक दो महीने में भी ठीक हो जाते हैं और पेशेंट एक साल दो साल भी लगाते हैं ठीक होने में, क्योंकि उन्हें रिकवरी स्लो मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि सोरासिस जल्दी ठीक हो, रिकवरी डिलेड ना हो, तो आप भी इन चीज़ों पे काम करें जो लैक कर रहे हैं। और अगर नहीं समझ में आ रहा है कि सोरासिस कैसे ठीक करना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, मिलने आएँ और अपने सोरासिस को हमेशा के लिए ख़त्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।